हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, जिसमें सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन द टर्म ऑफ कॉट ए। मैं आज वही क्वेश्चन बताने वाला हूं जो कि पूछा गया है डाउट में, इससे जो भी आइडेंटिटी है, जो बच्चों ने कुछ क्वेश्चंस मुझसे पूछा, मैं उसी क्वेश्चंस को आज सॉल्व करने वाला हूं। तो इसमें सबसे पहला ये एनसीईआरटी का भी फर्स्ट क्वेश्चन है, 8.4 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। दैट मींस इस कॉट साइन सेक और टेन को कॉट ए के अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेस करना है, कॉट ए के अकॉर्डिंग एक्सप्रेस करना है। बहुत ईजी है, एक दो मेथड के अनुसार बनेगा, भी सबसे ईजी मेथड में यहाँ पे आप लोग को बताने वाला हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये cot a, सबसे पहले हम देखते हैं कि एक ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, जहां पे एंगल b इज इक्वल टू 90। दैट मींस अगर हम यहां पे एक ट्रायंगल लेते हैं, प्रोड्यूस करेंगे बच्चों, ये हो गया a, ये b, ये c, ये 90 डिग्री अकॉर्डिंग टू a। अगर ये टर्म a है तो इसको मैं एक काम कर रहा हूं, यहां पे मैं a लिख दे रहा हूं और यहाँ पे c, अच्छे से समझ में भी आएगा। थीटा भी मैं साइन दे रहा हूं, वैसे यहाँ पे थीटा की जगह a दिया हुआ है। तो यहाँ पे गिवन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कि सबसे पहले साइन सेक और टेन को कॉट a में रिप्रेजेंट करना है। तो कॉट a, तो कॉट इज इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू b बाई पी। बाई अगर वन करते हैं, अगर हम यहाँ पे देखें तो बेस हमारा क्या हो गया, कॉट ही हो गया, कॉट ए लिख सकते हैं और पी हमें वन मिला। अब इसके अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस का रूल लगा के हम सबसे पहले यहाँ पे क्या निकालेंगे, ट्रायंगल ए बी सी, बी हमारा 90 डिग्री, तो पाइथागोरस का फॉर्मूला पाइथागोरस लगा के हम ए सी निकालेंगे, हाइपोटेनस निकालेंगे। दैट मींस ए सी इज इक्वल टू रूट अंडर ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी ए बी स्क्वायर, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं बी सी पहले लिखते हैं, बी सी स्क्वायर प्लस ए और बी स्क्वायर, उसके बाद ए सी इज इक्वल टू रूट अंडर बी सी, क्या है तो बी सी बच्चों हमें वन है, तो यहाँ पे वन, और प्लस ए बी क्या है, ए बी की जगह हम यहाँ पे कॉट लिखेंगे, कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए। अब हमें एसी भी मिल गया, एसी बच्चों हमें क्या मिला, एसी मिला 1 प्लस 1, इसका स्क्वायर 1 ही होगा, इसलिए 1 प्लस cot स्क्वायर a, cot स्क्वायर a, यानी एसी निकल गया। अब हमें जो भी निकालना है इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, cot के अकॉर्डिंग टू ये हमारा हो गया। जैसे सबसे पहले हमें क्या निकालना था, हमें निकालना है बच्चों साइन ए, तो साइन इज इक्वल टू पी बाई एच, पी क्या है आपका, पी आपका वन हो गया और एच आपका ये हो गया, वन बाई रूट अंडर वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, स्क्वायर ए। इसके बाद सेक निकालना है, सेक ए, तो सेक आपका क्या है, बी एच बाई बी, सेक आपका क्या हो जाएगा, सेक आपका जैसे कॉस का होता है बी बाई एच, तो इसका रेसिप्रोकल, तो हमें क्या मिलेगा एच बाई बी, तो एच क्या है आप लोग का, एच बच्चों इसमें आप लोग देख सकते हैं, एच मतलब हाइपोटेनस, यानी ये है और बी आपका क्या है ये, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, और बी क्या है हम लोग का, बी हमें यहाँ से कॉट ए ए है। इसके बाद लास्ट है ये टैन, टैन tan, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है p बाई बी, तो p क्या है 1 और b क्या है cot, यानी यहाँ पे 1 बाई cot a, तो वैसे भी इसका tan का होता ही है reciprocal cot, तो ये आप लोग ऐसे निकाल सकते हैं। और भी इस टाइप के क्वेश्चन हैं, आप लोग बनाएंगे इसका शायद 8.4 का सेकंड नंबर क्वेश्चन भी आप लोग देखेंगे, इस टाइप से भी आप लोग बना सकते हैं। तो ये हो गया, अब दूसरी इसके बाद हम लोग सेकंड प्रॉब्लम देखेंगे जिससे बच्चों द्वारा पूछा गया, सेकंड प्रॉब्लम देख सकते हैं आप लोग, एक बार इसको देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखेंगे, आज सिर्फ डाउट क्वेश्चन जो बच्चों द्वारा पूछा गया उससे रिलेटेड चलेंगे। जैसे इसमें एक और क्वेश्चन है,
आइडेंटिटी में ही है, प्रूफ प्रूफ दैट कॉस ए माइनस शाइन ए प्लस वन बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन इज इक्वल टू कॉसिक ए प्लस कॉट ए। या पहले चीज या पहले चीज, दैट मीन्स ये आपको यहां पे प्रूव करना है, ये कॉसिक प्लस कॉट। एनसीईआरटी का ये 8.4 का 5 का ये 5 क्वेश्चंस हैं और इससे ही रिलेटेड सेम क्वेश्चन इसके एग्जांपल में भी है, जिसमें एक बच्चे द्वारा पूछा गया कि उसका एग्जांपल भी है, सेम क्वेश्चन है, ये जैसे बनेगा सेम वैसे ही बनेगा। तो इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले एलएचएस जो है आपके पास, एलएचएस बच्चों है हमारे पास cos a माइनस साइन ए और फिर यहाँ पे cos a प्लस शाइन ए माइनस वन। अब इस एलएचएस में हम क्या करेंगे, इस एलएचएस में हम बच्चों करेंगे क्या कि सबसे पहले जो साइन के साथ सेकेंड वे में जो है साइन के साथ न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम यहाँ पे डिवाइड देने वाले हैं साइन। तो यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कॉट है कॉसेक है, तो अगर हम यहाँ पे साइन के साथ करते हैं डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा कॉट और इस टर्म में आ रहा है और वन बाई कॉसेक इज इक्वल वन बाई यहाँ पे साइन हो जाएगा इक्वल टू कॉसेक। तो यहाँ पे ये टर्म हम लोगों को मिल रहा है, तो इस कारण से हम लोग बोथ वे यानी ऊपर नीचे यहाँ पे बोथ मतलब ऊपर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में साइन से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा कॉस ए बाई यहाँ पे शाइन ए माइनस फिर शाइन ए बाई यहाँ पे साइन ए और फिर माइनस ये यहाँ पे एक प्लस है ये प्लस है छूट रहा है ये प्लस वन बाई यहाँ पे हो गया शाइन ए। अब ऊपर वाले में कर दिया इसको साइन बाई कॉस साइन बाई साइन प्लस और वन बाई साइन। इसके बाद ये भी है हम लोग के पास कॉस ए बाई साइन फिर प्लस साइन ए बाई ये हो गया हमारे पास शाइन और माइनस वन बाई ये हो गया साइन साइन। इसके बाद हम लोग ये हमें मिला सेकेंड में, ये आप लोग देख सकते हैं सेकेंड। इसके बाद किस साइड में मैं लिख रहा हूं कॉस बाई साइन कॉस बाई साइन हमें क्या मिलेगा कॉट ए माइनस साइन साइन कैंसिल माइनस वन फिर प्लस कॉसेक क्या मिला कॉसेक ए फिर बाय यहां भी देख सकते हैं साइन बाय कॉस बाय साइन इज इक्वल टू कॉट फिर प्लस साइन 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 और साइन कैंसिल वन फिर माइनस वन बाय ये हो गया साइन ए ये आप लोग का ये कॉट है प्लस वन बाय साइन इज इक्वल टू यहां पे हम लोग कॉसेक कॉसेक ए कॉसेक ए लिख रहा है वन बाय साइन इज इक्वल टू यहां पे हम लोग कॉसेक लिख रहे हैं ये हो गया आप लोग का। इसके बाद हम लोग इसको एक इसमें एक स्टेप और क्रिएट करते हैं कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस को मूव कर रहे हैं और नीचे जैसे है वैसे ही हम रखेंगे कॉट ए प्लस वन माइनस कॉसेक ए। तो ये बच्चों हो गया। अब वन की जगह हम यहाँ पे क्या लिखेंगे समझेंगे आप लोग वन की जगह सबसे पहले आप लोग एक बार इसको देख ले अच्छे तरीके से कि कैसे हमने किया है। तो इसके बाद हम लोग आगे की तरफ हम लोग मूव करेंगे। एक बार फिर से मैं इसको रिवीजन कर दे रहा हूँ कॉस ए माइनस इसको सबसे पहले मैंने डिवाइड किया न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से साइन से तो यहाँ पे कॉस बाई साइन साइन बाई साइन वन बाई साइन इस कॉस बाई यहाँ पे साइन ये प्लस का प्लस साइन साइन बाई साइन वन वन बाई उसके बाद इसको मैंने चेंज किया कॉस बाई साइन इक्वल टू कॉट माइनस का माइनस ये कटेगा वन प्लस कॉस ए यहाँ भी हो जाएगा कॉट प्लस वन और माइनस कॉस ए फिर मैंने इसको कुछ नहीं नीचे वाले को ऐसे ही लिखा ऊपर में सिर्फ इसको वन किया। वन की जगह हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू कॉस और कॉट की कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू वन। तो वन की जगह हम ये रखते हैं वन की जगह यानी कि ये हो गया आपका कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस वन की जगह कॉसेक
स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये हो गया नीचे वाला जैसे है वैसे ही हम रख रहे हैं, यानी कॉट ए फिर प्लस वन माइनस, ये हमें कॉशिक ए मिला। अब ये बच्चों हमारे पास इतना हमारे पास मिला। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, इसके आगे हम करेंगे क्या, ज्यादा इजी है, बहुत इजी है, बस वन की जगह हमने रिप्लेस किया कॉशिक स्क्वायर, कॉशिक ए स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए वन की जगह हम लोगों ने रिप्लेस किया। चलिए अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप लोगों को मिल रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट मींस ए प्लस बी और ए माइनस बी। मैं इसे थोड़ा इरेज कर दे रहा हूँ, यहाँ पे लिखने के लिए सुविधा रहेगा, मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ। ये चीज लिख रहा है मैं यहाँ पे, यानी कॉट ए प्लस कॉशिक ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी और फिर ए माइनस बी माइनस बी, ये हो गया। और बाई डिवाइड में जो है उसी तरीके से लिखेंगे, कॉट ए प्लस वन माइनस, ये हो गया आपका कॉसेक ए। अब बच्चों आप लोग ध्यान से अगर देखें तो ये और ये और ये दोनों पॉजिटिव है, ये भी दोनों पॉजिटिव, इसको हम लोग कॉमन कर लेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो क्या लिखेंगे, कॉस ए प्लस यहां पे कॉसेक ए को हम लोग कॉमन किए, तो हमें क्या बचा, इस दोनों में से ये बार मल्टीप्लाई है तो ये बाहर आएगा, तो यहां से अगर इसको बाहर करेंगे तो यहां पे वन बचेगा, ये माइनस, ये बच्चों कॉमन हो गया, हमें क्या बचेगा ब्रैकेट कॉसेक ए, कॉसेक ए और माइनस कॉट ए, कॉट ए, यहीं पे एक काम और हम करेंगे। अब ये माइनस है और यहाँ पे ब्रैकेट है, तो इसे अगर ब्रैकेट को हटाते हैं तो ये तो माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस है, इस ब्रैकेट को हमने हटाया तो क्या हो गया, ये साइन चेंज हो जाता है। अब नीचे वाला बच्चों जैसे है वैसे ही हम लोग लिख रहे हैं, ए प्लस वन माइनस, ये आपको क्या हो गया कॉसिक कॉसिक ए। अब आप लोग ध्यान से देखेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव, पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, दैट मींस ये और मल्टीप्लाई में है, इसलिए ये और ये हमें कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला कॉट ए प्लस यहाँ पे कॉसिक ए, दैट्स प्रूफ, ये हमें प्रूफ हो गया। देखेंगे आप लोग इसको, चलिए तो इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, आज सिर्फ डाउट होगा जो बच्चे द्वारा पूछा गया, जितना भी प्रॉब्लम है उसको ही मैं आज सॉल्व करूंगा, इसके बाद नेक्स्ट जो है एक और प्रॉब्लम। आइडेंटिटी आप लोग जितना बार बनाएंगे उतना ही अच्छा होगा। चलिए इस कड़ी में एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्रूफ दैट, सब क्वेश्चन बच्चों द्वारा डाउट जो भी बोला गया था बच्चों ने पूछा उसी से रिलेटेड है, साइन का पावर 6 थीटा और फिर प्लस ये हो गया आपका कॉस का पावर 6 इज इक्वल टू 1 माइनस 3 यहां पे साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, LHS is equal to RHS, that means इसको हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो हमें ये मिलता है, ऐसे ही हम लोगों को यहाँ पे सॉल्व करना है। चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं थोड़ा, ये हमारा LHS है, LHS क्या है, साइन पावर 6 थीटा प्लस कॉश का पावर 6 थीटा, ये पावर 6 है तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं इसको, साइन का स्क्वायर होल 3, 6 है 3 पावर का पावर मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 होगा, फिर ये प्लस ये कॉस, कॉस का पावर 6 है तो इसी कंडीशन में हम इसको लिखेंगे कि कॉस का पावर और फिर इसका होल पावर। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला एक बैठ है आइडेंटिटी की, ए पूरे को हम मान रहे हैं, साइन स्क्वायर को है कॉस स्क्वायर, तो ए और ये हम यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं, अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो ए हम किसको मानेंगे, ए हम मान लेते हैं साइन स्क्वायर को और बी मान लेते हैं यहां पे कॉस स्क्वायर को, तो ये हो गया ए क्यूब प्लस बी और क्यूब, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी और फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
माइनस ए बी, तो इसी फॉर्मूले पे हम रखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस ए बी, तो इसको हम इसी फॉर्मूले पे रखेंगे। दैट मीन्स हमें क्या मिला ए प्लस बी, तो हम तो ए तो इसको माने, तो यहाँ पे हो गया साइन स्क्वायर ए, ए हो गया हमारा ए, और वेट एक मिनट थोड़ा सा, और इसको मैं इधर से लिख रहा हूँ, हमें क्या मिला साइन, यानी हमें हो गया ए प्लस बी, ए प्लस बी, फिर हमें क्या मिलेगा ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर, तो स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर ए इसको माने हैं स्क्वायर, तो ये फोर हो गया। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ कि साइन का पावर फोर, और फिर प्लस, फिर बी स्क्वायर यानी कॉस का भी पावर फोर, और फिर माइनस यहाँ पे साइन और कॉस स्क्वायर, ये हम फॉर्मूले पे बैठे। फिर से ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए हम किसको माने हैं साइन स्क्वायर, तो बी हम किसको माने, और ये हम आइडेंटिटी का ये फॉर्मूला जो है इसको हम यूज किए हैं। अब हम लोग यहाँ पे इसके बाद वाले में देखेंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला ही बन रहा है, दैट मींस ये हमें क्या मिल जाएगा, ये हमें वन मिल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ए हम माने इसको, और फॉर्मूले के तहत ही प्लस बी होता है, तो ए प्लस बी। अब यहाँ पे इसके बाद हम लोग इस टर्म को देखते हैं, इस वाले को देखते हैं, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि साइन का पावर एस, और फिर ठीक साइन, और फिर प्लस कॉश, और फिर प्लस, अब यहां पे देखेंगे ये, तो हम यहां पे वन है, तो अब थोड़ा सा इसको आप ध्यान दीजिएगा, हम यहां पे थ्री, या यहां पे हम अगर हम यहाँ पे यूज करते हैं, ये माइनस में है, तो अगर हम यहाँ पे यूज करते हैं थ्री, थ्री दैट मीन्स थ्री साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे करके अगर हम यूज करते हैं थ्री माइनस, तो एक फॉर्मूला हमें बनेगा, हम थोड़ा सा बता देते हैं इसको, आप लोग ध्यान से देखेंगे, इसको मैं लिख रहा हूँ, आप लोग समझने का यहाँ पे प्रयास करेंगे, हमें जो प्रूफ करना है वो हमें यहाँ पे जरूर मिलेगा, हमें यहाँ पे मिलेगा। तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, ये हो गया, अगर प्लस का भी अगर हम लोग यूज करते हैं तो हो ही जाएगा, ए प्लस बी का ही बोले, इस पर देखिएगा कैसे हम कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करूंगा। ये हो गया कॉस थीटा, और फिर माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चों यही समझना, इसको तो मैंने यहाँ पे लिखा, इसको बच्चों यहाँ पे लिखा, ये प्लस यानी ये वन, वन का सकते, तो थ्री और ये, इन दोनों को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें डेट मीन थ्री साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर में से टू साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस अगर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। बस क्यों इसको किया, क्योंकि हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला मिला, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, हमें एक फॉर्मूला यहाँ पे और क्रिएट हुआ, इस वन को हम हटा देते हैं, यानी यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला मिला, इस फॉर्मूले के तहत ए प्लस बी का, बी का ये होल स्क्वायर, ए फिर से ए स्क्वायर प्लस ये पूरा बी, बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, हमें क्या मिला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर से ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी, ए हमारा क्या है साइन स्क्वायर, बी हमारा क्या है कॉस स्क्वायर, तो इसको हम लोगों ने सॉल्व किया तो हमें ये मिला, और फिर ये हो गया माइनस, ये हो गया थ्री, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, फिर माइनस यहाँ पे थ्री, और ये हो गया आपका साइन थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, दैट्स प्रूफ, आप देख सकते हैं ये प्रूफ हो गया। एक दो बार इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से पढ़ाएंगे जरूर बन जाएगा। चलिए इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे नेक्स्ट यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन। फिर भी मैं बोल रहा हूँ, अगर आप लोगों को भी अगर फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो जरूर पूछेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही, दैट्स इट, थैंक यू।